हाय गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज हम लोग टैली ईआरपी 9 में इन्वेंट्री वाउचर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज टोटली हम लोग इन्वेंट्री वाउचर क्लियर करने वाले हैं कि आखिर इस ट्रांजेक्शन वाउचर का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं टैली ईआरपी 9 में। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री वाउचर के बारे में बता देते हैं कि इसका एंट्री क्यों करते हैं हम लोग। दोस्तों, जब भी हमें ट्रांसफ़र करनी होती है आइटम, चाहे वह एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे हो, मींस एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पे, तो इसके लिए हम लोग इन्वेंट्री वाउचर का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास बाई डिफ़ॉल्ट टैली ईआरपी 9 एक लोकेशन बना के देती है जहाँ पर हम परचेज करके सामान को स्टोर करते हैं मेन लोकेशन के नाम से, जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। इसमें कुछ करना नहीं होता है, ऑटोमेटिक जब भी आप परचेजिंग करते हैं तो वो आपको मेन लोकेशन में डायरेक्टली सामान स्टोर हो जाता है। हम लोग चेकआउट भी करते हैं तो जाकर के मेन लोकेशन में ही चेक करते हैं, तो जहाँ पे भी मेरा सामान स्टोर रहता है वो बताता है कितना पीस है। लेकिन अगर मेन लोकेशन पर रखने का जगह अगर कम पड़ जाती है तो हमें एक अलग से गोडाउन बनाने की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हम सामान को स्टोर करके रखते हैं। और अगर उस गोडाउन से अगर किसी दूसरे गोडाउन पे या मेन लोकेशन पे ही सामान ट्रांसफ़र करने का काम किया जाएगा, जो आप ही का सामान है, आपने परचेज करके किसी गोडाउन पे रखा है, तो उसके लिए हमें इन्वेंट्री वाउचर का इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों, हम कुल मिला के बोल सकते हैं इन्वेंट्री वाउचर का इस्तेमाल हम लोग आइटम ट्रांसफ़र के लिए करते हैं वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। तो आइए हम चेक करते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह पर आइटम ट्रांसफ़र कैसे करेंगे हम लोग और इसका वर्क स्टेप बाई स्टेप कैसे करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो में बने रहे, आज आपको 110% इन्वेंट्री वाउचर्स का वर्क समझ में आ जाएगा। इन्वेंट्री वाउचर तब भी वर्क होता है जब आपके पास गोडाउन होता है। तो दोस्तों, इसके लिए मुझे गोडाउन पे कुछ काम करना होगा। गोडाउन पे वर्क करने के लिए हमें F11 में जाना है और F11 में जाने के बाद इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है। फीचर्स में जाने के बाद यहाँ पर मेंटेन मल्टीपल गोडाउन के नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन को यस करते हुए और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब ये दोस्तों गोडाउन आपके सिस्टम में, यानी टैली ईआरपी 9 ABC जो कंपनी है, इसमें यस हो चुका है। अब हमें एक नया गोडाउन बनाना होगा जिसमें हम सामान को परचेस करके वहाँ स्टोर करके रखेंगे और स्टोर करने के बाद कुछ कुछ सामान हम मेन लोकेशन में ट्रांसफ़र करके इन्वेंट्री वाउचर के माध्यम से देखेंगे। इसके लिए गोडाउन बनाने के लिए हमें जाना होता है इन्वेंट्री इन्फो में और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है गोडाउन्स का। इंटर करेंगे, क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा, फिर इंटर करेंगे और एक हम गोडाउन बना लेते हैं IACT गोडाउन के नाम से। GODOWN। तो दोस्तों, मैंने एक IACT गोडाउन के नाम से गोडाउन बनाया जो अंडर हम प्राइमरी में डालेंगे और इसमें फॉर यूज के लिए कुछ नहीं करना है, आपको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। एस्केप से बैक जाना है। मेरी गोडाउन ऑलरेडी बन करके तैयार हो चुकी है। अब हमें ट्रांजेक्शन्स करने के लिए सबसे पहले इन्वेंट्री अकाउंट्स इन्फो में जाना है, जो फर्स्ट ऑप्शन मास्टर का दिख रहा है, फिर लेज़र में जाना है और एक लेज़र बनाना है परचेज का। दोस्तों, ये परचेज का लेज़र अंडर जाता है परचेज अकाउंट में और परचेज अकाउंट में डालते हुए हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको शोल्ड भी करना होगा, यानी सेल्स करना होगा, तो एक सेल्स का भी लेज़र बना लेते हैं जो अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में और इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एस्केप से हम बैग जाते हैं। ये मेरा लेज़र का काम कंप्लीट हो चुका है। अब मास्टर का दूसरा ऑप्शन है इन्वेंट्री इन्फो। इसमें जाने के बाद हम सबसे पहले यूनिट्स बनाएंगे और क्रिएट करेंगे। यूनिट में अगर मेरी ट्रांजेक्शन पीस पे होने वाली है तो हम PCS एक यहाँ पे टाइप करेंगे सिंबल में और फॉर्मल नेम में PIC, डेसिमल पैलेंस 0 रहेगा और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर एस्केप से बैग जाएंगे। बैग जाने के बाद हमें जाना होगा स्टॉक ग्रुप में और एक ग्रुप बना लेते हैं, जैसे क्लॉथ का। क्लॉथ मीन्स होता है कपड़ा, तो एक कपड़ा से रिलेटेड हम ट्रांजेक्शन करेंगे। अंडर इसे हम प्राइमरी में डालते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप से बैक जाएंगे। अब हमें स्टॉक आइटम बनाना है तो स्टॉक आइटम में जाते हैं और यहाँ से क्रिएट करते हैं एक आइटम शर्ट। ये अंडर क्लॉथ में डालेंगे इसे और यूनिट पीस डालते हुए हम एक्सेप्ट करेंगे। एक बनाते हैं टी शर्ट, इसे भी फिर से हम क्लॉथ में डालते हुए यूनिट पीस डालते हुए एक्सेप्ट करेंगे और एक बना लेते हैं फ्रॉक। क्लॉथ में डालेंगे, यूनिट पीस डालेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरे पास ये तीन आइटम है आपका जिसे हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे। स्केप से बैग जाएंगे। सबसे पहले हमें परचेस करना होगा तो अकाउंटिंग जो है आपका वाउचर का वर्क परचेजिंग के लिए, इस पर क्लिक करेंगे।
एफ नाइन पेस करेंगे तो परचेज मेरा खुलेगा, सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, पार्टी नेम में हम कैश डाल करके इंटर करके आगे बढ़ेंगे, लेजर परचेस का डाल लेंगे, सामान हम पहले फ्रॉक डाल लेते हैं, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखना है, इंटर करेंगे। अब आपसे गोडाउन पूछा जाएगा कि फ्रॉक को कहाँ डालना चाहते हैं, तो दोस्तों ये मेन लोकेशन तो मैंने बनाया रही लेकिन ये ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है बिकॉज ये टैली में बाय डिफॉल्ट रहता है। हमने आई ए सी टी गोडाउन के नाम से मैंने एक अपना गोडाउन बनाया जिस गोडाउन में हम सामान 2000 फ्रॉक रखने वाले हैं, 2000 डाल लेते हैं। रेट हम अगर 300 के रेट से खरीद रहे हैं तो यहाँ पे 300 रुपया डालते हुए हम इंटर करके आगे बढ़ेंगे। फिर इंटर करके दूसरा आइटम हम सेलेक्ट कर लेते हैं शॉर्ट, इसे भी हम आई ए सी टी गोडाउन में रख रहे हैं। क्वांटिटी इसका भी हम 5000 पीस खरीद रहे हैं, रेट 400 के रेट से, ये अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर एंटर करेंगे और तीसरा आइटम हम टी शर्ट लेते हैं जो गोडाउन हम आई ए सी टी गोडाउन में ही रख रहे हैं, 6000 पीस रख रहे हैं, 6000, और रेट है 100 के रेट से। तो ये टोटली मेरा अमाउंट जो है कैलकुलेट होकर 32 लाख आ जाता है। इंटर करने के बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये मेरी परचेज की ट्रांजेक्शन हो गई। लेकिन इतना ढेर सारा अमाउंट में मेरे पास परचेज का जो है कि सामान आई ए सी टी गोडाउन में पड़ा हुआ है, हम इसे कुछ कुछ लेकर के मेन लोकेशन में और तब सोल्ड करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए हमें इन्वेंट्री वाउचर का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप अभी बेचने जाइएगा, जैसे हमने अकाउंटिंग वाउचर में यहाँ पर क्लिक किया और सेल्स के लिए एफेट प्रेस करना होता है, एफेट प्रेस करने के बाद हम अगर नीचे आते हैं, यहाँ कैश डाल लेते हैं एक बार हम चेक कराने के लिए, इंटर करते हैं सेल्स का लेजर, तो ये जो फ्रॉक है जब इसको आप सेल्स कीजिएगा तो ये बताएगा कि आपको आई आई सी टी गोडाउन में है 200 पीस, मेन लोकेशन में नहीं है, 2000 पीस मेन लोकेशन में नहीं है। तो इसे हमें मेन लोकेशन में कैसे लाना होगा, तो दोस्तों मेन लोकेशन में लाने के लिए गेटवे ऑफ टैली में बैक जाना है, एस्केप बटन से इन्वेंट्री वाउचर में जाकर के इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको एक स्टॉक जर्नल का ऑप्शन खुलेगा जिसको हम लोग ट्रांसफर ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं। सोर्स पूछ रहा है कि कौन सा सामान आपको ट्रांसफर करना है, तो फ्रॉक करना है। कहाँ से करना है, तो आई ए सी टी गोडाउन से करना है। कितना पीस करना है, तो मान लिया जाए मेरे पास रखने का जगह अगर 500 का है तो हम 500 ट्रांसफर कर लेते हैं, रेट और अमाउंट बाय डिफॉल्ट आएगा। ये जगह है सोर्स, यानी जहाँ से आपने सामान को उठाया आई ए सी टी गोडाउन से, यह है डेस्टिनेशन जहाँ आपको डालना है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। सेम चीज़ फ्रॉक को उठाते हैं, कितना कहाँ पे डालना है, तो मेन लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी सेम डालेंगे जो मैंने वहाँ पे डाल रखा है। इंटर करने के बाद इसे या तो एक्सेप्ट कर लें, एक नरेशन दे दे बीइंग ट्रांसफर आइटम और एक्सेप्ट कर लें, तो ये आपका ट्रांसफर हो गया आइटम। अब अगर आप सोल्ड करने जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, इफेक्ट प्रेस करते हैं सेल्स के लिए और रेफरेंस नंबर डाल करके पार्टी नेम कैश डाल करके अगर नीचे आते हैं हम, तो ये फ्रॉक को अगर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बताएगा आई ए सी टी गोडाउन में 1500 पीस है जो कि 2000 पीस ऑल ओवर था, तो मेन लोकेशन में आपका 500 पीस आ गया है। तो दोस्तों आप यहां से भी चेक कर सकते हैं या फिर आप चेक करने के लिए डिस्प्ले में जा सकते हैं। यहां से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री को सेलेक्ट करते हुए हम यहां से सेलेक्ट करेंगे स्टॉक क्यूरी ऑप्शन को और फ्रॉक को सेलेक्ट करेंगे, तो यहां पे बताएगा मेन लोकेशन में 500 पीस और आई ए सी टी गोडाउन में इतना पीस। ये गोडाउन का भी ऑप्शन दे रहा था कि अगर हम डिस्प्ले ऑप्शन में जाते हैं, डेबुक में जाते हैं, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाते हैं और गोडाउन में जाते हैं और यहाँ से आई ए सी टी गोडाउन को सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें बताएगा कितना रुपया का कितना सामान अवेलेबल कौन कौन सा है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं गोडाउन डिटेल्स के बारे में। अब दोस्तों अगर सेल्स करने की ज़रूरत होती है तो आप अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, सेल्स का शॉर्टकट की इफेक्ट होता है, हम यहाँ से इफेक्ट प्रेस करके रेफरेंस नंबर डालेंगे, पार्टी नेम कैश डाल करके इंटर करेंगे, लेजर सेल्स का डालेंगे। सामान अगर हम फ्रॉक सेल्स कर रहे हैं तो ये मुझसे पूछेगा कि आप कहाँ से बेचिएगा, तो हम मेन लोकेशन से बेचेंगे। अगर दो पीस बेच रहे हैं 900 के रेट से बेच रहे हैं तो ये आपका बिल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपने मेन लोकेशन से सामान को बेचा। अब अगर आप मेन लोकेशन में देखिएगा तो 200 पीस आपको कम हो जाएंगे, जो सामान आपके पहले थे 500 वो 498 हो जाएंगे। हम एक बार फ्रॉक को सेलेक्ट करते हैं और मेन लोकेशन को चेक कर रहे हैं तो 498 ही दिखेगा बिकॉज आपने इसमें से दो पीस सोल्ड कर दिया है। अगर आप और डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आपको डिटेल्स में जाना है, यहाँ से डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है, स्टॉक क्यूरी में जाना है, फ्रॉक को सेलेक्ट करते हुए इंटर करेंगे तो ये बताएगा फ्रॉक का डिटेल्स कि क्या है। 2000 पीस आपने खरीदा था 300 के रेट से, 1/4 को दो पीस बेचा आपने 900 के रेट से, डिस्काउंट कुछ भी नहीं, और मेन लोकेशन में सामान 498 और गोडाउन में आपको 1500 पीस पड़ा हुआ है, तो ये डिटेल्स दोस्तों आपको दिखाएगा। तो हम लोग इन्वेंट्री वाउचर का काम स्टॉक ट्रांसफर के लिए करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिले। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।